हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बिना मैदे का, बिना अंडे और बिना कोको पाउडर के मात्र तीन चीज़ों में इंस्टेंट बनने वाला चॉकलेट मार्वल केक बनाएंगे। आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं। जब भी घर में पार्टी हो या आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये इजीली बन जाता है और इसे आप घर के इंग्रेडिएंट से फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मार्बल केक बनाने के लिए यहाँ मैंने दो टाइप का बिस्किट लिया है, हैप्पी हैप्पी और पार्ले जी बिस्किट। यहाँ मैंने 20 रुपीज़ वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लिया है। यहाँ मैंने बड़े बिस्किट का पैकेट लिया, लेकिन हम इसमें से सिर्फ दो बिस्किट का पैकेट यूज़ करेंगे। इसमें चार बिस्किट का पैकेट होता है। और ये देखिए, इस तरह का एक बिस्किट का पैकेट आपको 5 रुपीज़ में इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो आप इस तरह का दो बिस्किट का पैकेट ले। मार्बल केक बनाने के लिए यहाँ मैंने पार्ले जी बिस्किट का दो पैकेट लिया है। और चॉकलेट फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने 4 5 रुपीज़ वाला हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिया है। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और ग्राइंडिंग जार में एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट डालेंगे। और हम बिस्किट को इस तरीके से तोड़ लेंगे जिससे बिस्किट हमारे इजीली और जल्दी ग्राइंड होगा। और हम सेम तरीके से दूसरे पैकेट के बिस्किट को भी इस तरह तोड़कर डालेंगे। आपको जैसा इजी लगे आप वैसा डालें। और अब हम जार का ढक्कन लगा करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे बारीक ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने बिस्किट को ग्राइंड करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम सेम जार में ही हैप्पी हैप्पी बिस्किट को भी तोड़ कर डालेंगे। यहाँ मैंने 4 पैकेट हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिया है। आप इसकी जगह पे कोई और चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट भी ले सकते हैं। हैप्पी हैप्पी बिस्किट आपको इजीली किसी भी शॉप या मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने 4 बिस्किट का पैकेट डाल दिया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल बिस्किट मीठा ही होता है। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसे भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने बिस्किट को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब हम पार्ले जी बिस्किट का पाउडर लेंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। आप इसकी जगह चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें 1 कप दूध डालेंगे। यहाँ मैंने अभी 1/2 कप दूध डाला है। और दूध डाल करके हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा काफ़ी थिक हो गया है। हम इसमें बाकी बचा हुआ दूध भी डालेंगे। और दूध डालकर हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। केक बनाने के लिए हमें इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर हमारा और अच्छे से फ्लफी और स्मूथ बनेगा। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम चॉकलेट बिस्किट का भी बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए हम इसमें 1/2 कप मिल्क डालेंगे। यहाँ मैंने बॉईल करके रूम टेम्परेचर पे दूध को ठंडा कर लिया है। और अब हम इसका बैटर बनाएंगे। चॉकलेट बिस्किट का बैटर बनाने के लिए हम इसे चम्मच से अच्छी तरह मिलाते रहेंगे। और ये देखिए, चॉकलेट बिस्किट हमारा अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है, इसमें थोड़े से लम्स रह गए हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये सारे लम्स भी ब्रेक हो जाएंगे और टूट जाएंगे। और केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथली बनेगा। और अब हम एक केक बनाने के लिए बर्तन लेंगे। यहाँ मैंने और इस तरह एक नोटबुक का पेपर लेंगे। पेपर लेके हम बर्तन को पलट देंगे और पेपर को बर्तन के साइज के हिसाब से गोल काट लेंगे। आप पेपर की जगह बटर पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस तरह का कागज़ तो हम सभी के घर पे रहता है, तो आप इस कागज़ से भी इजीली केक को बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से इसे गोल आकार में पेपर को कट कर लेंगे। और अब हम बर्तन को सीधा करेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें पेपर को सेट करेंगे। और ये देखिए, पेपर हमारा केक बनाने के लिए बर्तन में अच्छे से सेट हो गया है।
और अब हम इस पे एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैं ब्रश से पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हम पेपर का एक ही साइड ग्रीस करेंगे और ये इजीली दोनों साइड ऑयल से ग्रीस हो जाएगा। और अब हम बचे हुए पेपर को इस तरीके से काट लेंगे और काट करके हम इसके साइड में अच्छे से पेपर को सेट कर देंगे, जिससे केक हमारे निकालने में आसानी होगा और केक इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और इसे तेल से या ऑयल से ग्रीस भी कर दिया है। और चलिए, अब हम केक बनाने के लिए दोनों बैटर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने पार्ले जी और हैप्पी हैप्पी बिस्किट का बैटर लिया है। केक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक इनो का पैकेट लिया है। केक बनाने के लिए हम पार्ले जी बिस्किट का बैटर में 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और 1/2 टीस्पून इनो हैप्पी हैप्पी बिस्किट बैटर में डालेंगे। बैटर में डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे या मिक्स कर लेंगे, जिससे इनो पूरी अच्छे से बैटर में मिल जाएगा। और सेम तरीके से हम चॉकलेट वाले बैटर को भी मिला लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों बैटर को अच्छे से चम्मच से मिला लिया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं मिलाना है। और अब हम केक बनाने के लिए ग्रीस किए हुए बर्तन को लेंगे और इसमें एक लेयर पार्ले जी बिस्किट का डालेंगे और दूसरा लेयर हैप्पी हैप्पी बिस्किट का डालेंगे। और सेम तरीके से एक लेयर हम पार्ले जी बिस्किट का डालेंगे और एक लेयर हैप्पी हैप्पी बिस्किट का डालेंगे। और इसी तरीके से हम दोनों बैटर को डाल करके मार्बल केक बनने के लिए सेट करेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों बैटर को एक एक करके डाल दिया है। और अब हम एक नाइफ लेंगे, आप इसकी जगह टूथपिक भी ले सकते हैं, और हम इसे इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ करते हुए केक में कट लगाएंगे। और ये देखिए, मार्बल केक में हमारा फूल बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे बेक करने के लिए एक कुकर लेंगे। कुकर में हम इस तरीके से प्लेट या टिफ़िन का ढक्कन डालेंगे और इसे पलट देंगे। कुकर में केक बेक होने के लिए हम इसे अच्छे से सेट करेंगे। और अब हम चलिए इसे गैस पे चढ़ाएंगे। इस केक को आप भगोना या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कुकर में बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। और चलिए, अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाकर हम कुकर का सीटी निकाल लेंगे और गैस ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। और ये देखिए, 20 मिनट हो गए हैं। केक को हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक क्लीन चाकू या नाइफ लेंगे। नाइफ लेकर हम इसे इस तरह सेंटर में चाकू को डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए, चाकू हमारा क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम केक को कुकर में से निकाल लेंगे। आप इसे केयरफुली निकालें। और ये देखिए, यहाँ मैंने कुकर में से केक को निकाल लिया है और केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। और अब हम इसे फैन में या फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। केक ठंडा हो गया है और अब हम चलिए इसे निकाल लेंगे। केक निकालने के लिए यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है। प्लेट लेकर हम इसे पलट देंगे और पलट करके हम इसे इस तरीके से 1 से 2 बार टैप करेंगे। और ये देखिए, केक हमारा इजीली निकल गया है। और हम इसका पेपर को इस तरीके से निकाल लेंगे और ये देखिए, पेपर भी इजीली निकल गया है और साइड के पेपर को भी हम निकाल लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और चलिए, अब हम केक को पलट के सीधा कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और अब हम इसे कट कर लेंगे और मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। केक हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी बन के तैयार हुआ है और इसे हमने बिना किसी झंझट के इजीली बनाया है। और ये देखिए, मार्बल केक हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार हो गया है। आप इसे घर पे इजीली बना सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
इस रेसिपी को आप घर पे बनाए, बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी आपकी तारीफ करेंगे। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ अगले रेसिपी में।